हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में। मैं आज बनाऊंगी दूध की सेवइयाँ, वो भी ईद स्पेशल। आपको पता है कि ईद पे तो हर घर में ईद के त्यौहार पे तो हर घर में ही जो है सेवइयाँ बनके तैयार होती हैं। ये ईद स्पेशल मैं शीर खुरमा बनाने जा रही हूँ एंड आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी और आप भी इसे आसानी से घर पर बना पाएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा ये। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप घी को मैंने यहाँ पर पैन में ऐड कर दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 300 ग्राम जो है सेवइयों को क्रश करके यहाँ पर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे रोस्ट करेंगे, वरना हाई फ्लेम पे जल जाएगी और एकदम स्लो फ्लेम पर इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे। देखिए मैं मीडियम फ्लेम पर इसे रोस्ट कर रही हूँ, कलर भी बहुत ही अच्छा आने लगा है इसका। और अब जो हमारी सेवइयाँ अच्छे तरीके से रोस्ट हो रही हैं, और अब मैं यहाँ पे सेवइयों को निकाल लूँगी इसमें से। एकदम परफेक्टली रोस्ट जब हो जाती हैं तो इसका वेट जो है बहुत लाइट होने लगता है। कलर भी देखिए अब पहले से चेंज हो गया है। अब सारी सेवइयों को मैं इसमें से निकाल लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से देसी घी ऐड करूँगी थोड़ा सा, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनको क्रश मतलब रोस्ट कर लेना है। सिर्फ 3 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पे इन्हें रोस्ट कर लेंगे, इससे ज़्यादा इसे रोस्ट नहीं करना है। देखिए इस तरीके से इसे रोस्ट कर लेंगे, इससे बहुत ही क्रंची फ्लेवर आ जाता है इसमें, और देसी घी में रोस्ट करते हैं तो और भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब मैं ड्राई फ्रूट्स को भी यहाँ से निकाल लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को भी मैं निकाल लूँगी, सारे ड्राई फ्रूट्स को। और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को एक ही साथ रोस्ट किया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर दूध ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 2 किलो दूध ले रही हूँ, ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो दूध में बनाऊँगी मैं सेवइयों को। अब पहले दूध को अच्छे तरीके से जो है बॉईल आने तक पकाएंगे, यानी 2-3 बार अच्छे से उबाल आना इसमें बहुत ज़रूरी होता है, इससे ये पता चल जाता है कि दूध जो है ख़राब तो नहीं है कहीं। क्योंकि हम इतने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे तो इसलिए पता होना ज़रूरी है कि दूध सही है कि नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 कप शुगर ऐड कर दिए, दूध अच्छे से गर्म है, 3 कप शुगर ऐड कर दिए और मैंने सारी सेवइयाँ इसमें ऐड कर दिए। अब इसे हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पकाना है इसे, और सारे ड्राई फ्रूट जो है मुझे सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देने हैं। अगर आपको बाद में गार्निश करने के लिए कुछ निकालना है तो निकाल सकते हैं, बाकी सारे आप ऐड कर दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ड्राई फ्रूट से। तो बहुत ही अच्छी जो है सेवइयाँ बनके तैयार होंगी इससे। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे पकाए जा रही हूँ जब तक एकदम अच्छे तरीके से सेवइयाँ फूल नहीं जाती हैं। ऐसे उबाल आता रहेगा, आप मिक्स करते रहें और चलाते रहें इसको। तो देखिए अब जो है हमारी सेवइयाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं, बहुत ही टेस्टी सेवइयाँ बनी है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी ऐसी सेवइयाँ घर पर आसानी से बना सकते हैं। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को कमेंट करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करें।